किया गया। देखिए हमारे चैनल की खास रिपोर्ट रामगढ़वा से अनीस के साथ। जिला प्रशासन के निर्देश पर स्थानीय प्रशासन के द्वारा रामगढ़वा प्रखंड के 16 पंचायत में 100% वैक्सीनेशन कराने हेतु मंगलवार को मेगा कैंप का आयोजन किया गया। मेगा कैंप में महिलाओं व पुरुषों ने वैक्सीनेशन कराने में काफी रुचि दिखाई। किसी किसी सेंटर पर तो शांति पूर्वक वैक्सीनेशन का कार्यक्रम सम्पन्न हुआ। वहीं अधक पैरिया, सकरार, जैतापुर, अहिरोलिया, बेला, सुखी सेमरा, बैरिया, अमुदेही तथा रघुनाथपुर आदि पंचायतों में महिला पुरुषों के द्वारा वैक्सीनेशन सेंटर पर काफी हंगामा किया गया, जिसको लेकर स्वास्थ्य कर्मियों ने कई बार वैक्सीनेशन कार्यक्रम को बंद कर दिया। उक्त पंचायत के वैक्सीनेशन सेंटर पर जब पुलिस गई तब से लोग कतार में लग कर टीकाकरण कराए। कई दिनों तक लगातार हो रही बारिश के बाद मंगलवार को संयोगी ही था कि मेगा कैंप के दिन धूप निकल गई और लोगों के अंदर वैक्सीनेशन कराने की उत्साह व जुनून इतना था कि चिलचिलाती धूप में भी लोग कतार में खड़े रहे। हालांकि प्रत्येक वैक्सीनेशन सेंटर पर कोविड-19 के प्रोटोकॉल की खूब धज्जियां उड़ाई गई। भीड़ इतनी थी कि किसी भी सेंटर पर सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं किया गया। टीकाकरण केंद्रों पर वैक्सीनेशन लगवाने वालों की बढ़ती संख्या ने स्वास्थ्य कर्मियों व प्रशासनिक पदाधिकारियों के लिए परेशानियों का सबब बन गई। स्टॉक में उपलब्ध वैक्सीनेशन के सापेक्ष लाभार्थियों के बेहिसाब तादाद के बीच तालमेल बैठाने में अफसरों के पसीने छूटते रहे। स्थानीय प्रशासन के द्वारा निर्धारित किए गए लक्ष्य लगभग मेगा कैंप में पूरा हो गया। समाचार संकलन तक 7,000 लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका था। रामगढ़वा से अनीस उपाध्याय की रिपोर्ट। आपका यहाँ पे पोस्ट क्या है? प्रभारी प्रधान अध्यापक। प्रभारी हैं सर। यहाँ पे कोविशील्ड कितना आया हुआ है? कोविशील्ड 460। लेकिन सर यहाँ पे हजारों की संख्या में लोग हैं। लेकिन यहाँ पे 460 से ज़्यादा लोग हैं। काफ़ी लोग हैं, इसलिए कि अभी इस पंचायत में वैक्सीनेशन का जो है ना प्रोग्राम नहीं दिया गया है। सर यहाँ पे कोई सुई देने से परेशानी या कोई गैदरिंग टाइप का तो नहीं हो रहा है? कोई परेशानी नहीं है, शांति लेने के लिए उत्सुक है। थैंक यू सर। लेडीज़ थोड़ा प्यारी से बात किए हैं, वो बोलते हैं कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा गैदरिंग हो